नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गांधी जी नई तालीम, जो आपकी बुक है इसके सेकंड यूनिट है आपकी गांधी जी नई तालीम। फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो गई है, उसमें छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं एक दो, जो अक्सर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम बाद में एक बार ही कवर करा देंगे जब शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी। तो अभी उसमें मेन मेन जो क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो हमने कवर करा दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। जो यूनिट सेकेंड है वो है आपकी गांधी जी की नई तालीम। तो इसमें अगर हम संक्षिप्त में बताएं, ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें हम बात करेंगे गांधी जी का जीवन दर्शन क्या है, उसका शिक्षा दर्शन क्या है उनका, और साथ ही साथ गांधी जी की जो नई तालीम है, इनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गांधी जी हैं उनके एजुकेशनल थॉट्स क्या हैं, एजुकेशनल आइडियाज़ क्या हैं, या कहें तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा के प्रति उनका क्या नज़रिया है, क्या दर्शन है, या क्या विचार हैं शिक्षा को लेकर, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगी, COVID-19 कोरोना वायरस के चलते 14 अप्रैल तक पूरा देश, इंडिया जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में है, लॉकडाउन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि अपने घर पर रहे और सुरक्षित रहें, बिल्कुल घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, और जो ज़रूरी की सामग्री हैं या जो ज़रूरी के सामान है वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है, अगर जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए, बिल्कुल ज़रूरी वाले कंडीशन में ही, जब कि भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोई सामान तो ही निकलिए, वरना घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए, घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशनल आइडियाज़ क्या हैं, गांधी जी का शिक्षा दर्शन को लेकर क्या विचार थे, क्या थॉट्स थे, क्या नज़रिया था शिक्षा को लेकर, कि शिक्षा उनके अनुसार कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से इसमें देखेंगे। दोस्तों, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो फिलोसफी की बुक थी आपके सेकेंड पेपर था, उसमें आपने गांधी जी का शिक्षा दर्शन देखा होगा, ठीक है, वही सब इसमें है। बस डिफरेंस क्या है, उसमें आपने थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था, सिर्फ एक ही आपका उसमें टॉपिक था, और इसमें यहाँ पर पूरी की पूरी बुक ही ऐड हो गई है और थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, फ़र्क सिर्फ इतना है, बेस आपका वही रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि एजुकेशनल थॉट्स क्या थे, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या थी महात्मा गांधी की, ठीक है। तो गांधी जी जो थे, कंसिडर्ड एजुकेशन एज द बर्थ राइट ऑफ मैन एंड कंसिडर्ड इट एज मच नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन। गांधी जी ने शिक्षा को हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार बताया था, कि हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है हर व्यक्ति का शिक्षा ग्रहण करना, कि व्यक्ति को एजुकेशन मिले, एक सही एजुकेशन शिक्षा दी जाए, ठीक है। और ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की या किसी भी तरह के कोई भी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये भी गांधी जी ने बताया। कंसेप्ट की बात करें कि गांधी जी के अनुसार एजुकेशन का, शिक्षा का क्या कंसेप्ट था, क्या अवधारणा थी शिक्षा की, तो बात करें तो गांधी जी डिड नॉट कंसिडर्ड ओनली लिटरेसी एज एजुकेशन, यानी कि गांधी जी ने कहा था कि केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ठीक है, साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में इन्होंने कहा था कि लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग, इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन एजुकेटेड। उन्होंने कहा था कि लिटरेसी जो है वो साक्षरता को ही शिक्षा नहीं कहा जा सकता, लिटरेसी को ही एजुकेशन नहीं कहा जा सकता, लिटरेसी ना ही तो एजुकेशन का एंड है और ना ही बिगिनिंग है, ठीक है, ना ही तो स्टार्टिंग है, ना ही एंड है, ये तो केवल एक सोर्स है, एक मीन है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को शिक्षित किया जा सकता है, ये तो एक साधन है। By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit. इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है, ये है कि शिक्षा उसको कहते हैं कि जो बच्चे का या मनुष्य का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण विकास का मतलब है सर्वांगीण, सभी अंगों का विकास, यानी कि हर तरह से बच्चे का डेवलपमेंट करे, चाहे वो उसका सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, कुल मिलाकर ये कि हर तरह से व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, उसको हम शिक्षा कहेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है, गांधी जी ने कहा था कि आप ट्वेल्थ कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसका मतलब ये नहीं आप एजुकेटेड हो गए। एजुकेटेड
व्यक्ति वो होते हैं जिसका पर्सनैलिटी ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। आपकी बीए, आपके 12th, 10th, ग्रेजुएशन, ये तो सिर्फ एक लिटरेसी का पार्ट है कि आपने कहाँ तक शिक्षा को प्राप्त किया है, कि आपने किस लेवल पर शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा जब ही आपकी मानी जाती है, एक एजुकेटेड पर्सन जब ही माना जाता है, जबकि उसके हर अंग का विकास हो, सर्वांगीण विकास होता हो, हर तरह का डेवलपमेंट उसमें हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, मेंटल डेवलपमेंट भी हो, उसमें सोचने की समझने की शक्ति भी हो, उसमें समाज से घुलने मिलने की शक्ति भी हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, नैतिक विकास भी हो, उसमें चारित्रिक विकास भी हो। अब हम कहते हैं ना, इन शॉर्ट में आप देखिए एग्जाम्पल के लिए कि एक व्यक्ति है जो अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा लिखा है पूरा, उसने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन वो चोरी करता है, तो वो एजुकेटेड नहीं है। वो साक्षर है, उसने पढ़ाई की हुई है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें नैतिकता का विकास नहीं हुआ, वो चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो व्यक्ति जब तक पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा, तभी उसको एजुकेटेड कहा जा सकता है, जब वो नैतिकता का विकास, उसमें चारित्रिक विकास, हर अंग का विकास उसमें होता हो। आगे हम बात करेंगे इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए। तो सबसे पहला तो है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति का, मनुष्य का, बालक का पूरी तरह से शारीरिक विकास हो सके, फिजिकली डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में एक्सरसाइज कराई जानी चाहिए, ठीक है, योगा कराया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का हेल्थ जो है वो डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट उसका हो सके। आपने देखा होगा जब आप छोटे छोटे से होंगे तो आपके स्कूल में पीटी होती थी प्रेयर से पहले, तो इसी का ही एक पार्ट था कि बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है आपका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक और बौद्धिक विकास, यानी कि बच्चे का, बालक का या व्यक्ति का मानसिक रूप से भी विकास हो और बौद्धिक रूप से भी विकास हो, माइंड का भी डेवलपमेंट हो, यानी कि उसमें सोचने समझने की शक्ति आ सके, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता हो, उसमें डेवलप हो सके। उसके लिए आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप माइंड लगाते हैं, सोचने समझने की शक्ति आती है उसमें, या कोई एक्टिविटीज़ आपको दे दी जाती है, आप उसमें खुलकर सोचते हैं, कोई क्रिएटिव काम आपको दे दिया जाए, ठीक है, कोई एक्टिविटी ऐसी दे दी जाए, कोई एक्टिविटी ऐसी दे दी जाए जिसमें आपको क्रिएटिवली खुलकर सोचना हो, तो उन एक्टिविटीज़ से, इन चीज़ों से आपका मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पर आपका इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास भी होना चाहिए और साथ साथ सामाजिक विकास भी होना चाहिए। व्यक्तिगत यानी कि खुद की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्ति एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी जो है पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए, और साथ ही साथ सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से मतलब ये है कि अपने समाज में घुलने मिलने का विकास हो सके, व्यक्ति में, जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में अच्छी तरह से घुल मिल सके, अपने वातावरण में घुल मिल सके, आसपास का जो वातावरण है, समाज में व्यक्ति उसे अच्छे से बोलचाल कर सके, हेजिटेट ना हो उसमें। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने घर में तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करते तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, वो बात नहीं कर पाते। या ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने अपने में मतलब रखते हैं, अलग अलग रहते हैं सबसे, किसी से भी बात करने में हिचकिचाते हैं या बात करना पसंद नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि व्यक्ति, हर व्यक्ति में मिलजुल कर, घुल मिलकर रह सके। इसके बाद आता है आपका कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास, कि जो आपकी कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, उस तरह को पूरे तरह से अपना सके व्यक्ति, ठीक है, उसमें पूरी तरह से घुल मिल सके। इसके बाद आपका आता है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक और चारित्रिक विकास, यानी कि व्यक्ति का नैतिकता के गुण भी विकसित होने चाहिए और चरित्र भी उत्तम होना चाहिए, चरित्र का विकास होना चाहिए, उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ नैतिकता के गुणों का, जो नैतिक गुण होते हैं, जो मोरल वैल्यूज होती है हमारी सोसाइटी की, समाज की, वो भी उसमें डेवलप होनी चाहिए। इसके बाद है वोकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यावसायिक विकास। वोकेशनल डेवलपमेंट व्यक्ति का होना चाहिए। बच्चे ने शिक्षा तो, बच्चा पढ़ लिया, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद बच्चे में, बालक में वोकेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, व्यावसायिक विकास भी होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह से अपनी कमाई कर सके और अपना व्यवसाय चला सके, अपनी जीविकोपार्जन कर सके।
जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की पढ़ने के बाद कहीं जॉब लग जाए। अगर जॉब ना भी लग पाए तो वो किसी तरह से, किसी भी साधन से वो अपना व्यवसाय चला सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास। अंत में अगर कहें, अल्टीमेट एम गांधी जी के अनुसार ये था कि शिक्षा का आखिरी उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे में आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए, भगवान के प्रति आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए। कहें तो मोक्ष की प्राप्ति ही अंतिम उद्देश्य माना था इन्होंने। तो अगर गांधी जी की शिक्षा की बात करें तो ये मानवतावाद से चलकर और आध्यात्मिकता पर चली जाती है। कुल मिलाकर गांधी जी को आदर्शवादी माना जाता है। कहीं कहीं आप बुक में पढ़ेंगे किसी के अकॉर्डिंग प्रकृतिवाद भी माना जाता है। तो नॉर्मली अगर हम सबका एक निचोड़ देखें तो गांधी जी को आदर्शवाद कहा जाता है क्योंकि वो आदर्शवादी के विचारधारक थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको काम यूजफुल लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या करिकुलम होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए एटसेट्रा। इन सभी के बारे में हम डिटेल से आने वाली वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।